सोचिए, आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो इंटरनेट पे और एकदम से आपका फोन बजा, आपको व्हाट्सएप मैसेज आया कोई ऐसी धमाकेदार खबर जैसे टिकटॉक म्यूजिकली बैन हो गया फिर से। दैट्स अ न्यूज, वो आपके लिए बहुत जोरदार खबर है, सबको बताना पड़ेगा। तो आप उसे तुरंत शेयर करते हो, उसे ट्वीट करते हो, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हो, उसे फेसबुक में भेजते हो, और फेसबुक में जाते ही आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप एक दूसरी खबर सुनते हो, जेसीबी। जेसीबी क्या है? जेसीबी ट्रेंडिंग वीडियोस, जेसीबी पे सनी लियोनी, जेसीबी पे माइम्स, पॉलिटिकल माइम्स, जेसीबी के बारे में सब बात कर रहे, आपका फेवरेट यूट्यूबर जेसीबी के बारे में क्या बोल रहा है, ये सब क्या है? तो एकदम आपके दिमाग कहता है ये जेसीबी क्या चीज़ है, जेसीबी ट्रैक्टर इसमें क्या खास है? तो आप जेसीबी ट्रैक्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, आप विकिपीडिया पे जाते हो, जेसीबी के बारे में पढ़ रहे हो वो क्या क्या करता है, वो कैसे करता है, और फिर उसके बारे में ट्वीट करते हो, क्या बकवास है ये, या कुछ और ट्वीट करते हो, एक माइम बनाते हो, व्हाटएवर यू डू। फिर आप जाते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे एक दूसरा ही वायरल वीडियो चल रहा है, उसका क्या है, पंजाबी गोली बट्टा वाला, गोली बट्टा वाला का वीडियो आपने देखा, उसके ऊपर कितने सारे वीडियो बनते जा रहे आपने देखा, उसके ऊपर लोग गाने बना रहे, उसके ऊपर लोग मीम्स बना रहे। तो ये कौन है गोली बट्टा वाला, पंजाबी सिंगर, पंजाबी बंदा, पंजाबी बट्टा वाला, गोली सोडा बनाने वाला, क्या चीज़, कौन है ये? उसके बारे में ढूंढा आपने, और वीडियो देखा आपने, और इन्फॉर्मेशन देखा। इस तरह आपने अपने 5-10 मिनट जो है वो इंटरनेट पे बिताए। यही काम आप, मैं, 99% लोग जो इंटरनेट पे जाते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ करते हैं, राइट? क्या हम एक्चुअली ये सब करते हैं तो क्या इसका हमारे दिमाग पे, हमारे शरीर पे क्या कोई असर नहीं होता होगा? हम अगर 90% हमारा टाइम, हमारा समय जो हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, या फिर कभी यही इसके अलावा क्या पबजी में, या हम यूज़ कर रहे हैं और किसी के बारे में, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो विंक वाली लड़की के बारे में, किसी के बारे में अगर पढ़ने के बारे में, सुनने के बारे में, रिसर्च करने के बारे में अगर हम अपना समय बिता रहे हैं, हम अपना वक्त दे रहे हैं, अपने दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसका असर हमारे दिमाग पे नहीं पड़ेगा? इन सब का, जेसीबी के वायरल वीडियोस का बिल्कुल पड़ेगा। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, ये कैसे असर डालता है इंटरनेट आपके दिमाग में, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, यूजलेस इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है ये सब। दोस्तों एक ज़माना था जब स्टोन एज था, जब इंसान जंगलों में रहता थे, इंसान प्रिमिटिव इंसान, राइट? वो प्रिमिटिव इंसान जो है वो शिकार करके खाता था और खुद भी किसी का शिकार हो सकता था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास क्या सेफ जगह है, क्या खतरे वाली जगह है, ये पानी पीने लायक है कि नहीं है, किसमें जहर है किसमें नहीं, हर चीज़ के बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी ताकि वो जिंदा रह सके, राइट? इसलिए इंफॉर्मेशन लेना अच्छी बात थी, और इस इंफॉर्मेशन लेने से उसके ब्रेन को खुशी मिलती थी, एक यूफोरिया मिलता था कि हाँ कुछ जोरदार किया। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है रिसर्च में भी कि इन्फॉर्मेशन, जब आपके अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपका ब्रेन डोपामीन, सीरोटोनिन, ऐसे जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, जो रिवॉर्डिंग हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। तो इसलिए आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आप कंपल्स हो जाते हो, कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन देखने का। आज के ज़माने में तो ऐसा कोई प्रेडेटर नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, आज के ज़माने में भी लेकिन ऐसे ही होता है। आप किसी नए ऑफिस जाते हो, आप किसी नए स्कूल जाते हो, नए ऑफिस में आपको लगता है कि यार यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ टॉयलेट कहाँ है, यहाँ ये कहाँ है, वहाँ पे मुझे काम कैसे करना, मेरे डेस्क में ये है कि नहीं है, वो कैसा है, रिसेप्शनिस्ट कैसा है, किससे काम कराया जा सकता, चाय किससे मंगा सकते हैं, बॉस कैसा है, सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तुरंत चाहिए। फिर गॉसिप, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कौन किसके साथ चक्कर लड़ा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, राइट? स्कूल में हो या कहीं भी हो। सो आज के डेट में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेने का, यूजलेस इन्फॉर्मेशन हो या थोड़ी बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन लेना आपके दिमाग को अच्छा लगता है। लेकिन इंटरनेट आने के बाद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा डेटा है उसमें, और इतना सारे लोग
बना रहे हैं इंफॉर्मेशन, इतने सारे रोज आपको शेयर हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहाँ कहाँ नहीं आपको आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो धड़ाधड़ कि इंटरनेट पे बिताया हुआ ऑलमोस्ट हर एक पल, उस एक मिनट में 60 सेकेंड्स में 30-50 सेकेंड्स आपको यूजलेस इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई आपको फोटो भेज रहा है, कोई आपको वीडियो भेज रहा है, कोई म्यूजिक है, कोई कुछ आप पढ़ रहे हो, उसमें कितनी चीज़ें यूजफुल है। यहाँ पॉइंट ये नहीं है यूजफुल है कि नहीं है, यहाँ पॉइंट है कि ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ इंफॉर्मेशन आप ये ले रहे हो तो आपका वो कंपल्सिव बिहेवियर जाग रहा है। फिर आपको लगता है कहीं कोई नया मैसेज तो नहीं आया होगा, कहीं कोई नया ईमेल तो ना, बार बार चेक करते हो, फेसबुक खोल के फिर देखते हो, कोई नया वीडियो, कोई नया मैसेज, कोई किसी का अपडेट, किसी का स्टेटस, किसी का लाइव वीडियो कुछ आया होगा, कहीं आपका फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो, कोई ना कोई नया चीज़, आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या है? कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप किसी एक इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर पाते, आपका अटेंशन बट जाता है। अब आप एक और बात समझो, एक इंसान को ग्रोथ के लिए सीखना जरूरी है, लर्निंग, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए यूट्यूब के वीडियोज, DIY वीडियोस काफ़ी नहीं होते, क्योंकि DIY वीडियोस देख के जब आप करने लगते हो तो एग्जैक्टली वैसा तो कभी होता ही नहीं, राइट? ना साड़ी वैसी बनती है, ना वो वैसा बनता, कुछ ऐसा नहीं बनता जैसा इंटरनेट पे देखते हो, ना मेकअप ऐसा होता है, ना हेयर स्टाइल वैसा का वैसा होता है। उसके लिए और नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक हर किसी भी फील्ड में, कोई भी लर्निंग एबिलिटी के लिए जो आप नॉलेज लेते हो, किसी भी सेंस से लो, देखो, सुनो, वीडियो देखो, फोटो देखो, पढ़ो, चाहे आप कानों से सुनो, वो सारे सेंसेस से जो नॉलेज आती है, वो नॉलेज पहले आपके सेंसरी मेमोरी में जाके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद जब आप उसी नॉलेज को फिर कॉन्सेंट्रेट कर रिवाइज करते हो अच्छे से थोड़े दिन के बाद, उसके बेसिक समझते हो, तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, राइट? और जो जो इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, वो आपके नॉलेज डेटाबेस का बेसिक बनती है, जिससे हम एनालाइज करते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये ऐसे इसके साथ ये हो नहीं सकता, जिससे आपको समझता है कि नए चीज अगर ट्राई करनी है तो किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं, किसके साथ क्या एसोसिएशन है। अनफॉर्चुनेटली अब जैसे ही आप वो कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हो जिसको आपको आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, तभी आपको कोई ईमेल, तभी आपको कोई मैसेज, तभी आपको कोई फेसबुक वीडियो, कभी ऐसा वायरल JCB का वीडियो, या फिर कोई ट्रेंडिंग PUBG में कोई ना कोई गेम, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डिस्टर्ब करते जाती है जिससे आपका फोकस, आपका अटेंशन बट जाता है। तो इंस्टेड ऑफ ये, कुछ और चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है कि पबजी उसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, पोचिंग की में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो चीज़ें जो बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे आपके प्रोफेशनल करियर में इंपॉर्टेंट हो ना हो, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें कि आप यूजफुल चीज़ें बहुत सारी इकट्ठा कर सकते हो, और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही, तो इस वजह से अल्टीमेटली आपकी एनालाइजिंग कैपेबिलिटी, आपकी प्रैक्टिकल जो न्यू इन्वेंशनल टेक कैपेबिलिटी, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी मेमोरी रिकॉलिंग एबिलिटी सब कम हो रही। फिर आपको लगता है मैं भूल क्यों रहा हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, राइट? ये कारण है उसका, एक इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई योर फोकस, सबसे बेसिक है, अटेंशन इज द की, अटेंशन ही सबसे बड़ा चीज है, फोकस सबसे बड़ा चीज है। अगर आपका फोकस नहीं है आपके गेम में, अगर आपका फोकस नहीं है आपके आपके स्टडीज में, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप नॉलेज तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर एक डॉक्टर का फोकस नहीं है तो वो बीमारी नहीं, अगर उसको बेसिक नहीं पता ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अगर उसको ये बेसिक सारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है तो वो एक पेशेंट देख के, सिम्टम्स देख के बीमारियां एनालाइज नहीं कर पाएगा, हजारों ऑप्शंस में से कौन सी बीमारी है नहीं बता पाएगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है तो वो सॉफ्टवेयर में क्या गड़बड़ी है नहीं बता पाएगा, एक नया सॉफ्टवेयर, नया इजाद वाला सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा। अगर आप ज़्यादातर अपना टाइम ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स में बिताते हो तो फिर सोचो आपके फ्यूचर के साथ, आपकी एक्चुअल करियर के साथ क्या हो रहा है।
अगर आपके बच्चे ज़्यादातर टाइम इनमें बिताते हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज करना आपके और आपके फ्यूचर के लिए ख़राब है। अपने फोकस को समझो दोस्तों। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी था, JCB पे बहुत वीडियो देखे होंगे आपने, लेकिन ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। लोगों को समझना ज़रूरी है, क्या करना है वो नहीं, ये हो क्या रहा है वे थॉट आपके मन में ज़रूरी डालना है, इसलिए ज़रूर शेयर करिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।